हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है संडे और संडे मैं लाने जा रहा हूँ संडे इजी आर्ट। इसमें मैं आपको डिटेल्ड रियल टाइम में बताऊंगा कि कैसे आप एक इजी इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इजी लैंडस्केप, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे। आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं स्क्वायर डायमेंशन ले रहा हूँ जिसका साइज़ है 2048x2048 पिक्सल्स। इसके बाद हम बैकग्राउंड में कलर करेंगे। डन। इसके बाद हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा एलिप्स ड्रॉ हो गया है। उसके बाद हम इसे सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाए या ना लाए ये मैटर नहीं करता। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कलर वेरिएशन लाना। उसके लिए हम कोई लाइटर कलर लेंगे और यहाँ पे मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश लूँगा एयर ब्रश में। और हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड इसको हम क्लिप मास्किंग करेंगे। यहाँ से हम थोड़ी ब्रश की ओपेसिटी बढ़ाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा माउंटेन ड्रॉ करना। माउंटेन ड्रॉ करने के लिए हम ब्रश लेंगे मोनोलाइन एंड हम ब्रश की ओपेसिटी कर देंगे एकदम 100। देन हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी लेयर फ्लोर पे एंड देन टैप पे क्लिक करेंगे, लाइन स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है माउंटेन ड्रॉ। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम इसको एजी ड्रॉ करें, आप अलग वेव्स लाइंस हाइट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन एक स्टेप है जिसमें आप इसको कनेक्ट करेंगे वरना आपका कलर फिल नहीं होगा।
देन आप कलर पे क्लिक करेंगे एंड उसे ड्रैग करेंगे। आई गेस हमारा कलर चेंज हो गया है, तो हम उसे कलर को दोबारा पिक करेंगे। यहाँ हमने कलर पिक कर लिया है एंड फिर हम कलर ड्रैग करेंगे। हमारा सेम कलर आ गया है। देन ऐसे ही हम एक और माउंटेन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका कलर थोड़ा लाइट होगा क्योंकि वो डिस्टेंस पे है। इसके लिए हम थोड़ा लाइट पर्पल शेड लेंगे एंड देन हम अपना सेकंड माउंटेन ड्रॉ करेंगे। एक न्यू लेयर क्रिएट करी, अपनी लाइंस को कनेक्ट करने के लिए हम इसकी ऊपर वाली लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे। देन हम नीचे जाएंगे, नीचे वाली लेयर पे, एंड इसको हम फिल कर देंगे पर्पल से और हमारा सेकंड माउंटेन भी रेडी है। इसके ऊपर वाले माउंटेन लेयर को हम अनहाइड कर देंगे और ऐसे ही आपके दो माउंटेन्स रेंज रेडी है। आप चाहे तो तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है नेब्यूला ड्रॉ करना। इसके लिए हम एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इसको हम क्लिप मास्किंग करेंगे। हम अपने कलर्स को रखेंगे थोड़ा डार्कर ब्लू की शेड्स। हम ब्रशेज में जाएंगे और यहाँ पे ये सारे ब्रशेज ल्यूमिनेंस में है, कोई भी हमने ब्रश कोई भी बाहर से नहीं आया है। देन आप इसमें बहुत सारे ब्रशेज, आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें आप नेब्यूला ब्रश पे क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि ये ब्रश कितना ही प्यारा है, इसमें कितनी वेव्स है एंड ऑल। ये मेरे फेवरेट ब्रश में होगा अब। देन हम थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। ब्रश का साइज हम इसमें रखेंगे 8%। एंड देन हम थोड़ा इसको टॉप साइड पे ड्रॉ करेंगे। सो आप देख रहे हैं कि कैसे नेब्यूला ड्रॉ हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टारी स्काई बनाना। इसके लिए हम ब्रश में क्लिक करेंगे, देन आप इसमें ग्लिमर ब्रश लेंगे। इसके लिए आप फिर एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, उसे हम क्लिप मास्किंग करेंगे एंड हम अपने स्टार्स का कलर रखेंगे थोड़ा बहुत वाइट शेड में। देन हमारे ब्रश की ओपेसिटी है कुछ 50% और इसका हमने साइज रखा है 12। हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ हमारा स्टारी स्काई भी रेडी है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे मून। मून ड्रॉ करने के लिए हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इसको भी हम सॉरी क्लिप मास्किंग करेंगे। देन हम एलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे। और समवेयर हमारा मून यहाँ होगा। कलर हम इसमें रखेंगे थोड़ा लाइट ग्रे। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी गलती से हमसे डिलीट हो गया, हमने अंडू करके अपने मून को लिया है, सॉरी एलिप्स को लिया है। इसके बाद हम इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और लेयर 8 जो इसके नीचे है उस पे हम गॉजियन ब्लर करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे इसमें थोड़ा मून में ग्लो आया है। देन हम इसके ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे, लेयर 8 पे, एंड देन हम इसमें थोड़े मून पे मून के जैसे पैचेस होते हैं वो ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप टेक्सचर्स में जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के आप जैसे ब्रश देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको मून इफेक्ट चाहिए। सो हम टेक्सचर में लेंगे आई गेस ग्रंज इफेक्ट ठीक रहेगा आई गेस। देन हम अल्फा लॉक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने ब्रश का साइज़ देखेंगे, उसकी ओपेसिटी भी हम कम कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ यहाँ पे है 15, नहीं आई गेस 10 है हमारी ब्रश का साइज़। उसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें हमारा कलर होगा थोड़ा सा डार्क ग्रे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे मून पे इफेक्ट ड्रॉ करे है। आप चाहे तो इसको और डार्क कर सकते हैं, डिस्क पे जाके हम इसको थोड़ी और डार्क शेड करेंगे। यहाँ हमारा मून भी रेडी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो भी हमने माउंटेन्स मून ऊपर स्टार नेब्यूला बनाया उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। सो हम अपनी लेयर्स में जाएंगे। इसके बाद हम अपनी लेयर 5 को डुप्लीकेट करेंगे, लेयर 4 को डुप्लीकेट करेंगे, लेयर 6 को डुप्लीकेट करेंगे, लेयर 7 डुप्लीकेट करेंगे, एंड लेयर 8 डुप्लीकेट करेंगे। सो जो भी हमारी डुप्लीकेट लेयर है
उनको हम ग्रुप करेंगे। आई गेस हमने सारी लेयर्स को सेलेक्ट, यहाँ पे हमने अपनी सारी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है एंड देन हम इनको ग्रुप करेंगे। सॉरी, ग्रुप नहीं करना है, मैंने इसको अंडू वो कर दिया है, अंडू। इसके बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे, देन हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फ्लिप वर्टिकल। यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारी फ्लिप लेयर थी उन सब की ओपेसिटी ट्वेंटी कर देंगे। यहाँ आपका लैंडस्केप रेडी है। सो गाइस, जैसे मैं अपने स्टारी नाइट से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं हमारी जो भी स्टारी मतलब नाइट्स की स्टार्स की लेयर है उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। नेब्यूला इज गुड, मैंने एक थोड़ा डमी नाइट डमी स्टार्स बनाए थे उनको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ दोबारा से नया स्टार्स बनाऊँगा। तो देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यू लेयर लेंगे, कलर हमारा वाइट ही सेलेक्ट है, ब्रश हमारा ग्लिमर ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा परफेक्ट लग रहा है।
यहाँ हमारा स्टार्स रेडी है। देन इसमें मैं सेम वही एप्लीकेशन अप्लाई करूँगा, मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, देन मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, फ्लिप वर्टिकल, डन। इसकी ओपेसिटी 20। एंड ये रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। सो संडे इजी आर्ट के नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय।